ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर आज फिर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं और मोदी सरकार कर इकट्ठा करने में व्यस्त है। बता दें कि एक सप्ताह में 4 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है। इस वक्त पेट्रोल और डीजल अब तक की सबसे ऊंची कीमतों पर बिक रहा है। गौरतलब है कि कीमतों में वृद्धि के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 85.70 रुपए और मुंबई में 92.28 रुपए हो गई है। इसी प्रकार दिल्ली में डीजल के दाम 75.88 रुपए और मुंबई में 82.66 रुपए हो गई है।